हेलो दोस्तों, आपका पैसा कमाने का सपना पूरा होने वाला है शेयर मार्केट में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो देख के आपको 100% नहीं, कम से कम आपको 90% कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 90% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पैसे कमाने के पहले पड़ाव पे आप आ चुके हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं, और जल्दी दोस्तों आप अपने मंजिल में पहुँच जाओगे। जिस मकसद से आप शेयर मार्केट में आए थे वो आपका पूरा होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताऊँगा जो बहुत ही रेपुटेडेड HDFC बैंक, HDFC AMC को टक्कर देते हैं, और मिल कितने में रहे दोस्तों, आपको 40% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। आपको खरीदना ही खरीदना है भाई, कुछ भी हो जाए 40% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। सपोज पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वीडियो क्लियर में समझ में आए, ठीक है। अब देख लीजिए, हम जब भी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, ये है भाई प्राइस और ये है भाई डिमांड, ठीक है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होता है दोस्तों, डिमांड डिक्रीज होता है, होता है कि नहीं। जब हम जनरली मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, किसी चीज़ का मान लीजिए कि 100 रुपीज़ की किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का मान लीजिए 100 रुपीज़ केजी है, ठीक है, तो हम खरीदते कितना है, केवल 1 केजी या हाफ के जी खरीदते हैं। लेकिन उसी यही जो 100 रुपीज़ में मिल रहा था, अब हमें अगर मान लीजिए कि 40 रुपीज़ में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या हम हाफ के जी खरीदेंगे या 1 केजी खरीदेंगे, डायरेक्ट 5 केजी से बात करेंगे, डायरेक्ट 5 केजी से बात करेंगे। पहले हमें 100 रुपीज़ खर्च करने में हिचकिचाहट होती है, आप 5 केजी का मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, कम से कम आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगा दोगे, 200 या 250 रुपये आप यहाँ पर लगाने के लिए रेडी हो, जब दोस्तों इसका प्राइस 40 रुपीज़ गिर गया। तो इसी को बोलते हैं कि जब दोस्तों प्राइस और डिमांड, ठीक है, जब दोस्तों प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग मैं आपको शेयर दिखाऊंगा ना, तो आपको मतलब अच्छा फील होगा कि हाँ भाई, ऐसे स्टॉक को हमें तो खरीदना चाहिए और अपनी नज़र में भी रखना चाहिए, ठीक है। पहला स्टॉक का नाम है दोस्तों BASF, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर देख लीजिए BASF। स्टॉक आपको कितना मैं बोल रहा हूँ, पूरा शेयर मार्केट हिल गया, हिला कि नहीं बताइए, शेयर मार्केट कितना गिर चुका है, 35%, कितना गिर चुका है, 35%। अगर मैं बोलूं ये स्टॉक में आपको 0.5%, मतलब 0.5% भी गिरावट नहीं हुआ है, तो क्या आप मानने के लिए तैयार हो? चलो मानो चाहे मत मानो, उससे तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको मानना पड़ेगा। एक होता है मान लेना और एक होता है यू हैव टू डू, आपको करना है, चाहे जो भी है, आपको मानने से काम नहीं पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 40%, 50%, 60% तक टूट चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक में आपको थोड़ी सी भी गिरावट, मतलब होता है ना, एक खरोच भी नहीं है, ये देखना चाहते हो? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम चार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये लीजिए, आपको मैंने समझाने के लिए चार्ट पे आ चुका हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी का नाम दिख रहा होगा भाई आपको, ठीक है, और देखिए मार्केट कितने दिनों से गिर रहा है, 2 महीने से गिर रहा है, 3 महीने से गिर रहा है, अब उससे ज़्यादा टाइम से तो नहीं गिर रहा भाई मार्केट, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको कितने दिनों का डेटा दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर देख सकते हो 3 मंथ का डेटा दिखाने वाला हूँ, अगर मार्केट 3 महीने से गिर रहा है तो। चलिए मैं आपको जो है 6 मंथ का डेटा दिखा देता हूँ भाई, ठीक है, इतना से तो आपको संतुष्टि मिल जाएगा। 6 मंथ का डेटा आपके सामने आ चुका है, ठीक है, अब आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए 2020 है, 6 मंथ का मतलब तो दोस्तों अभी मार्च है, तो यहाँ 3 मंथ इधर भी चला गया, ठीक है, 2019 में भी चला गया, ठीक है। अब स्टॉक किस रेंज में दौड़ रहा था दोस्तों, स्टॉक इस रेंज में दौड़ रहा था कब, मार्केट गिरने से पहले, कौन से रेंज में था दोस्तों, ये रेंज में मार्केट दौड़ रहा था भाई, ठीक है। अब मार्केट कब गिरना स्टार्ट हुआ, 2020 के बाद, है कि नहीं, 2020 आया तभी तो, 2020 कब, वो भी दोस्तों मार्च फरवरी के बाद, ठीक है, तो फरवरी इधर आएगा क्योंकि मार्च यहाँ पर ही है, ठीक है, मार्च यहाँ पर ही है तो फरवरी इधर आएगा। अब मार्केट मान लीजिए गिरना स्टार्ट हुआ तो ये देखिए दोस्तों, स्टॉक का प्राइस कितना होगा, 1000 रुपीज़ के आसपास होगा, ठीक है, एक मिनट, ये स्टॉक का प्राइस कितना होगा, 1000 रुपीज़ के आसपास होगा, क्योंकि यही रेंज में तो मार्केट दौड़ रहा था। जब दोस्तों मार्केट गिरा, ठीक है, तो ये स्टॉक का प्राइस भी गिरा, लेकिन कहाँ से, यहाँ से हम काउंट करेंगे, ठीक है, और यहाँ गिरा तो कहाँ गिरा, 800 तक गया, स्टॉक का प्राइस कितना था, 1000 रुपीज़, 200 रुपीज़ गिरा, क्या गिरा भाई, 200 रुपये गिर गया, तो क्या गिरा, ISETC 2000 तक चला गया था, 2000 तक चला गया था, आज के डेट में आपको कितने में मिल रहा है, 800 में मिल रहा है, 800 में मिला। तो इसको बोलते हैं कि शेयर मार्केट की वजह से स्टॉक का प्राइस गिरा। और एक स्टॉक का नाम बता दो, HDFC बैंक भी
देख लीजिए कितना दोस्तों, वो भी 1300 के आसपास था और इसने 800 रुपीज़ का जो है लोएस्ट लगाया, ठीक है। और ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो 6 मंथ यहाँ पर देख रहे हैं टूटा, और जब मार्केट ऊपर गया तो दोस्तों ये देखिए लेवल को तोड़ने के बाद आज के डेट में दोस्तों इसने कितना में ट्रेड कर रहा, 1130 रुपीज तक, और इसने हाईएस्ट भी मारा दोस्तों 1200 को, ये टच भी करने वाला था। तो क्या ये लॉस दे रहा है, किसी को भी लॉस दे रहा है, जिस रेंज में था यहाँ पर देख लीजिए 2020 से पहले, मतलब मार्केट गिरने से पहले जिस मूड में था उससे आज के डेट में यह प्रॉफिट में गया। और जितने भी स्टॉक आपके पास हैं या आप मार्केट में भी देख लो, ठीक है, जो आपके पास नहीं है वो आप मार्केट में देख लो, सारे स्टॉक में गिरावट है भाई, सारे स्टॉक में गिरावट है कि नहीं है। लेकिन ये स्टॉक में क्या आप बोल सकते हो कि 1% की भी गिरावट है, आप खुद भी देख सकते हो। देखिए मैं तो आपको डेटा दिखाया, आप वेबसाइट में जाके चाहे कहीं भी आप जाके डेटा देख सकते हो, स्टॉक में थोड़ी भी गिरावट नहीं हुई है। और ये चीज़ देख के तो आपको खुशी से मतलब बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ देख लो स्टॉक का नाम सबसे पहले आपके सामने, और ये एक महीने के अंदर में ये स्टॉक ने 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है भाई, मतलब क्या बोलना यार, छोड़ो, मतलब इतना अच्छा सोच सकते हो कि 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस गिरते हुए मार्केट में। सारे स्टॉक गिर चुके हैं, HDFC, बजाज, किसी भी ले लो बड़े बड़े स्टॉक का दिग्गज, रिलायंस को भी देख लो वो भी टूट चुका है, लेकिन ये स्टॉक और सारे स्टॉक को जाके देखो नेगेटिव रिटर्न है। अभी जाओ प्लीज़, अभी जाओ देखो, सारे स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन ये स्टॉक, ये भाई सब हैं पॉजिटिव में चल रहे हैं। और इसका बोनस देने का तरीका देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर आपको मज़ा आ रहा है वीडियो देख के ना, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक करने से ना हिम्मत और उत्साह बहुत मिलती है, ठीक है। मैं देखिए सबसे पहले आपको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, देखिए मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कंपनी ने बोनस भर भर के दिया है भाई, आपकी बोरी झोला जो भी है आपके बैग सब कुछ भर जाएंगे, इतना बोनस दिया है कंपनी ने। और बोनस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास 100 शेयर हैं, अगर कंपनी 1:1 का बोनस दे रही है तो आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे, मतलब आपको 100 शेयर फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो था कितना 100, ठीक है, अब कितना हो गया 200, लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि आपको फ्री में कितना मिले 100 मिल गया एक्स्ट्रा, ठीक है। अब फिर से मान लीजिए बोनस दिया भाई, मान लीजिए फिर से 1:1 का बोनस दिया, ठीक है, तो आपके पास है कितना स्टॉक 200, अब आपको कितना बोनस मिलेगा 200, फिर से अब कितना हो गया आपको टोटल स्टॉक कितना हो गया, अगर इसको हम प्लस कर देंगे तो अब आपके पास हो गए 400 स्टॉक, ठीक है 400। और देखिए जब आपका प्राइस बढ़ेगा, पहले देखिए अगर पहले आपके पास केवल 100 स्टॉक थे तो जब प्राइस 1 रुपया बढ़ता था तो कितना मिलता था, केवल 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया बढ़ता था तो कितना मिलता था, 100 रुपया मिलता था। लेकिन आज के डेट में आपके पास कितने हैं, 400 शेयर, जब आप आज के डेट में प्राइस बढ़ेगा 1 रुपया तो कितना मिलेगा, 400 रुपया, मतलब कि कितना, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं, यह कंपनी ने डिविडेंड भर भर के दिया है, बोनस भी भाई भर भर के दिया है, नीचे में है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ दिखाया, 1:1 का बोनस होता है, आपको 100 पे 100 शेयर फ्री मिलेंगे, लेकिन 1:2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100 शेयर पे आपको 50 फ्री मिलेंगे, क्योंकि ये 2 है, 2 का मतलब दोस्तों 1:2 नहीं है, मतलब 1 के बदले में आपको 1 मिलेगा, लेकिन दोस्तों 1 के बदले में 0.2 है, मतलब आपको 50 शेयर मिलेंगे, ठीक है, 100 शेयर पे आपको 50 फ्री में मिलेंगे, ठीक है। आपके आपके पास मान लीजिए 500 है तो 250 मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह दोस्तों कंपनी में बोनस देख लीजिए, बोनस भाई कंपनी ने बोनस भर भर के दिया है भाई, हर एक साल कंपनी ने बोनस भर भर के दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2 भाई 5 साल बोनस दिया है। आप 5 बार कर लोगे तो सोचिए आपका 10 रुपया 100 रुपया में बदल जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना का था 10 रुपये का, बन कितना गया 100 रुपया, और बोलेगा ऐसा कैसा हो सकता है, तो भाई डिविडेंड भी तो देख लो, डिविडेंड को भी तो आपको देखना है ना, क्योंकि डिविडेंड भी तो आपको मिलता है। यहाँ पर भी देख लीजिए, पहले 10, 10, 30, 20, वो भी 30, क्या है ये परसेंटेज में बताया जा रहा है, ये परसेंटेज में है, ठीक है, ये जो भी आपको दिखाया जा रहा है, देखिए डिविडेंड ये कितना में परसेंट में है, तो जितना इसका दोस्तों फेस वैल्यू है, जितना भी है उस फेस वैल्यू के ऊपर ये आपको इतना परसेंट डिविडेंड दे रहा, तो भाई भर भर के दे रहा। तो आपको क्या लगता है ऐसी कंपनी आपको रिटर्न नहीं देगी, ठीक है, जो मार्केट एक नहीं हिला पाया। तो मैं बोल रहा हूँ कंपनी का नाम देख लो भाई, कंपनी का नाम देख लो BASF इंडिया, प्राइस देख लो 1125 रुपीज़, इतना खरीदो मैं बोल रहा हूँ, एक मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए भाई, इतना बड़ा रिटर्न मिलेगा ना कि आप सोच नहीं पाओगे। खरीदना तो है ही, चाहे जो भी हो जाए चारों तरफ से, क्योंकि भाई जब प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा तो आप देख नहीं पाओगे, समझ में आ रहा है, ठीक है।
और ये स्टॉक दोस्तों अभी प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है। कब प्रॉफिट देगा? जब दोस्तों ये 1350 रुपये का लेवल तोड़ेगा तब। 1350 रुपये का अभी कितने में दोस्तों? 1100 के आसपास चल रहा। 1350 मतलब दोस्तों इस लेवल पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। इस लेवल जब ये तोड़ेगा तो स्टॉक आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखते हुए नजर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाना है दोस्तों। आपको 750 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के चलना है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो रखना है, चाहे जो भी हो। एक्स्ट्रा एटीट्यूड नहीं रखना है, हमें क्या रखना है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया भाई पहली बात। और दूसरा कौन सा स्टॉक है देखिए, मैं आपको अब थोड़ी थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई, ठीक है। तो दूसरा स्टॉक है भाई IRCTC। मैं बोल रहा हूँ IRCTC को अब बोलेंगे भाई क्यों खरीदना, आपको बिलीव नहीं होगा। मैंने जिस प्राइस पे IRCTC को ख़रीदने के लिए बोलना स्टार्ट किया था, आज के डेट में वो वही प्राइस पे आ चुका है, और इसी प्राइस पे आके आज पहली बार बाउंस बैक मारा। लेकिन अभी नहीं खरीदना, प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी नहीं खरीदना है। क्योंकि देखिए IRCTC का प्राइस तो ये फालतू में जो 5% आपको दिखा रहा है, ये आपको मतलब इसी तरह बेवकूफ़ बनाने के लिए जा रहा है। क्यों? देखिए पूरा ट्रेन बंद है। IRCTC का बिजनेस क्या कहता है? टिकट बेचने का। पूरा ट्रेन बंद है भाई, डब्बा 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 सब कुछ खाली है, ठीक है। पूरा ट्रेन बंद है, ट्रेन बंद है। जब दोस्तों ट्रेन बंद है तो स्टेशन में जितने भी इसका कैटरिंग के बिजनेस थे या वाटर के जो भी थे दोस्तों, क्या हुआ? सब कुछ बंद है। तो सब कुछ अभी क्या है? बंद है। लेकिन फिर भी बिजनेस बंद होने के दौरान अगर किसी स्टॉक में तेजी दिखे तो आपको उत्तेजित नहीं होना, वेट करना, अभी वेट करना, ठीक है, अभी वेट करना। मैं बोल रहा हूँ जैसे ही कोरोना का माहौल ख़त्म होगा और जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है 21 डेज़ का, उसके बाद आपको IRCTC में ख़रीदारी करना है, और ये आपको रगड़ के प्रॉफिट देगा, रगड़ रगड़ के प्रॉफिट देगा भाई। जो स्टॉक 200 रुपये तक जा सकता है, सॉरी 2000 रुपये तक जा सकता है, और फिर से वो 800 का लेवल वापस आया, तो ये घायल शेर है, एक कदम पीछे ले रहा है। मतलब इस बार तो आर या पार होगा, मतलब 2000 से भी पार हो जाएगा, ठीक है। 2000 से भी क्या होगा पर, कहने का मतलब है कि अच्छा खासा प्रॉफिट देगा भाई, ठीक है। मेरा ये मत सोचिएगा कि 2000 को मतलब पार कर, मेरा कहने का मतलब है आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों SBI कार्ड, ठीक है। SBI कार्ड दोस्तों ये भी मैंने एक वीडियो में बताया था, बोला था कि ये आपको लॉस दे रहा है, तो भाई मार्केट की वजह से ये भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो इसको होल्ड कीजिए भाई, और ख़रीदना है थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद HDFC AMC भाई, ये भी आपको अच्छे से अच्छे दाम पे मिल रहा है। HDFC AMC का प्राइस थोड़ा और गिर सकता है। HDFC AMC का जो ख़रीदने का लेवल है वो दोस्तों 1900 के आसपास है, ठीक है। 1900 के आसपास, 2000 से 1900 के आसपास, ठीक है। ये दोनों लेवल के बीच में आपको ख़रीदना है, कौन सा भाई? HDFC AMC, ठीक है। क्या करना है आपको? ख़रीदना है, क्या करना है? ख़रीदना है, क्या करना है भाई? ख़रीदना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने जो स्टॉक बताया वो आपको अच्छा लगा हो, एक लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने दो और वीडियो अपलोड किया है जो दोस्तों आप हमारे चैनल पे आ जाके देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों। ये एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसके बाद ये एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप जाके देख सकते हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप अप टू डेट रहो, किसी भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए अप टू डेट रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।